vacuum for a very long time. So I think you should definitely watch Ruhaniyat, and let's hope that Ruhaniyat reaches skies. My all the best wishes to Anish and obviously Reva, and good luck. Thank you so much. Right. So ये गाना जो है वो जैसा गाने का नाम है रूहानियत, और ये गाना बहुत ही रूहानी मौसम में और बहुत ही रूहानी सोच के साथ बनाया गया है. एक अंदर से हमेशा से मेरे म्यूजिशियन का एक बुलावा था कि पुराने जो गाने हैं जो 70s 80s में हम सुना करते थे, उन गानों में एक अलग पहचान होती थी जिनको हम अभी भी सुनते हैं, और उस तरह की पहचान को वापस लाने के लिए एक सोच थी कि क्यों ना एक ऐसा गाना बनाया जाए जिसमें सीधा दिल से आपको आवाज़ आए कि आपको अलग लगन है. और एक प्यार होता है ना जिसमें आपको एक शर्म होती है, आप आँखों में भी देखते हैं तो आपको एक एहसास होता है कि आपको अगले इंसान के लिए कुछ एक फीलिंग्स है, और वो कन्वे करने के लिए एक ज़रिया होना चाहिए, और वो ज़रिया मैं चाहता हूँ रूहानियत के थ्रू बने. और इस गाने के पीछे बहुत समय बिताया हमने, बहुत मैंने इसको लिखने में और इसको कंपोज करने में काफ़ी समय बिताया, और जब इसको गाया मैंने तो फिर मुझे एहसास हुआ कि एक बहुत सिंपल मेलोडी ऐसा होना चाहिए जो हर कोई इंसान गा सके, जो हमारे साथ सब दोहरा सके. ऐसी मेलोडी होनी चाहिए जो हर किसी गाने के लिए बहुत उसका चलन बहुत आसान होना चाहिए. और बहुत मज़ा आया मुझे गाना शूट करते टाइम, और फिर जब रीवा से मुलाकात हुई, जब रीवा के साथ इंट्रोडक्शन हुआ इस सॉन्ग के लिए, तो मुझे तब फीलिंग आई कि रूहानियत कंप्लीट हो गया है अभी. एंड आप देख ही सकते हैं आज आप लोगों को रूहानियत कंप्लीट फील हो रहा होगा. So this song, you know, is about young love, and you know, many people will relate to this song, you know. इतनी क्यूट सी, इतनी प्यारी सी स्टोरी है, एंड आई जस्ट होप दैट यू गाइस लव इट, बिकॉज दिस रिमाइंड्स मैनी पीपल ऑफ देयर स्टोरी, एंड आई नो मैनी पीपल वुड रिलेट टू इट. जो लोग यहाँ पे हैं, मे बी सम पीपल वो भी रिलेट करें. सो इट्स जस्ट अ वेरी क्यूट, अ वेरी नाइस सॉन्ग, एंड आई होप यू गाइस लव इट. सो हियर इज रूहानियत. और अब आपने उस बात का जवाब भी दे दिया, और इसी सोच के साथ जब आप सब लोगों के सामने बात हो चुकी है तो डेफिनेटली रूहानियत पार्ट टू का भी प्लान होगा. आप रूहानियत वन को बहुत प्यार दीजिए, शेयर करिए, आप अपने रिलेशन उससे, आप अपना उसमें अपना एक एक्सपीरियंस ढूंढिए. मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप सबको अपना कोई ना कोई एक कोई ना कोई एक पार्ट एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर उसी तरह की प्रकार की आपकी भी कोई मेमोरी होगी. तो जैसे आप वो रिलेशन में इवॉल्व होंगे, आई एम श्योर पार्ट टू भी आपके आगे जल्दी निकल आएगा. मैम रूहानियत पार्ट टू के साथ साथ बहुत सारे और बहुत सारी मेलेडीज़ हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूँ, और रूहानियत वन इतना स्पेशल है तो आप समझ सकते हैं कि रूहानियत पार्ट टू भी बहुत स्पेशल, बहुत ज़्यादा है. तो उसके लिए मैं थोड़ा वक्त तो लगेगा क्योंकि कोयला गर्म होने के बाद ही हीरा बनता है. And I'm so happy, Reva is like family for me, and I'm so happy to see her debut song. और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लुकिंग ब्यूटिफुल, एंड बहुत ही अच्छा पिक्चराइजेशन किया है सौरभ ने, इज डन अ ब्यूटिफुल जॉब विद द डायरेक्शन. तो आई थिंक अनीश का भी डेब्यू है इस गाने से, ही संग इट सो ब्यूटिफुली. बहुत मेहनत लगती है गाना बनाने में, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दैट उन्होंने बहुत ही अच्छा गाना बनाया, अच्छा वीडियो बनाया, एंड जी म्यूजिक पर रिलीज हुआ है गाना. तो आई थिंक ये अभी मिलियंस एंड बिलियंस में जाएगा गाना, एंड आई विश देम ऑल द वेरी गुड लक फॉर द सॉन्ग. हाँ, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स काफ़ी आ रहे हैं ऑन यूनाइटेड वाइट फ्लैग, एंड आई एम ऑब्वियसली डूइंग फॉर अदर लेबल्स ऑल्सो. तो यू विल सी अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट, एंड वी स्टार्टेड वर्किंग विद फ्रेश अपकमिंग टैलेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं आर्टिस्ट, हम उन्हें भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं हमारे साथ. एंड जो आपके फेवरेट आर्टिस्ट हैं वो आप हमारी वीडियोज़ में तो देखते ही रहते हैं. वेरी सून वी आर गोइंग टू बी डूइंग अ सॉन्ग विद रीवा ऑल्सो, तो सुपर एक्साइटेड. मतलब 3 इयर्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस है, बहुत लंबी है, सॉरी हमारा हाइट बढ़ गई है, हाइट बढ़ गई है, एंड पूरी पर्सनालिटी बढ़ गई. यस यस, अलग हो गई. हाथ क्यों लगा रहे हो? इधर मुझे वहां तो मुझसे बोलना, कैमरे में क्यों हाथ लगा रहे हो?